मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सदन के अंदर पिछले 5 सालों के वादों पर जवाब मांगने की मांग को लेकर सदन के अंदर धरना पर बैठने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को 2 अगस्त 2024 के दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया था। वहीं शुक्रवार को सभी निलंबित विधायक झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री चैम्बर के समक्ष पहुंचे और वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सभी 18 निलंबित विधायकों ने मुख्यमंत्री से पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया, कृषि मित्र, ANM, होमगार्ड, पोषण सखी, जल सहिया, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, पारामेडिकल, नगर निगम सफाई कर्मी, सभी अनुबंध कर्मी के स्थायीकरण, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, JPSC घोटाला पर जवाब मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री चैम्बर के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सरकार ने पिछले चुनाव में कई वादे किए थे, इन वादों का क्या हुआ? न तो युवाओं को रोजगार मिला, न ही बेरोजगारी भत्ता। अब सरकार वोट लेने के लिए महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये का झुनझुना पकड़ा रही है। स्पीकर साहब का अपना विशेषाधिकार है, उन्होंने गलत तरीके से हम लोगों को निलंबन किया। निलंबन से हम लोगों को कोई घबराहट नहीं है, निलंबन वो करते रहे, लेकिन जनता का जो मांग हम लोग उठा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने वादे किए तो वादे को पूरा करते हैं, ये हम लोग का मांग है। अब ये अगर यहाँ सदन में पूरा नहीं करते हैं, सरकार नहीं पूरा करते, जाकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, वादा ये किया था कि हम सालाना 72,000 रुपया जो है हम सबको भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने कितना दिया? 5 साल में 3,60,000 रुपया होता है, 1 रुपया नहीं दिया। अभी क्या देना है? ये झुंझुना 1,000 रुपया झुंझुना पकड़ाने का ही प्रयास करके वोट लेने का चाह रहे हैं। महिलाओं को 1,000 रुपया देकर झुंझुना पकड़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया नहीं, नियोजन नीति इन्होंने लागू नहीं किया, स्थानीय नीति लागू नहीं किया, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, पार्टीदार को वेतनमान मिला नहीं, कृषक मित्र को जो है मानदेय दिया नहीं, जल सहैया पनों को मानदेय दिया नहीं, और हमारे जो है संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी, इनको इनका जो मांग है, इनका मांग सरकार ने पूरा नहीं किया, इनको स्थायी नहीं किया। आपके जगह जो है हमारे जो है सखी मंडल की बहनों का मांग पूरा नहीं हुआ, हमारी तेजस्वी बहनों को हटा दिया गया, इस राज्य के पोषण सखी बहनों को काम से हटा दिया गया, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। पद्मश्रुति मांग है जो सरकार ने वादा किया था, ये वादा को सरकार क्यों नहीं पूरा किया? सवाल उठाने के कारण ये सारे मुद्दे को जब सवाल उठा रहे हैं तो हम लोग को निलंबन करके आवाज़ दबाना चाहती है सरकार, और ये स्पीकर सरकार के टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं। 5 लाख नौकरियों को रोजगार देंगे, प्रति वर्ष 5 लाख के हिसाब से 5 साल में 25 लाख नौकरियां कहां गई, उस पर हम लोग जवाब मांग रहे हैं। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता कहां है उसका जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति कहाँ है उसके लिए मांग रख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे। 2 बजे देखिए निलंबित हैं और 2 बजे के बाद भी जाएंगे और सदन में मांग रखेंगे कि आपने जो 2019 में झारखंड की जनता को ठग के, झूठा वादा करके, फरेब करके वोट लिया, आप उस पर जवाब दीजिए। आज आप अभी देखिए CM तो बोलेंगे अंतिम में, अब बोलेंगे और भाग जाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया पहले बोलिए, हम लोग एक पक्ष नहीं हो, दोनों पक्ष का बात सुनिए। अभी आप आ रहे होंगे, पूरा पोस्टर बैनर विधानसभा परिसर में देखे, क्या देखे? मैया योजना, भैया और मैया को इन्होंने ठगा। 2019 में 72,000 प्रति परिवार देने की घोषणा की, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा उन्होंने किया, कहा था कि नहीं, 72,000 × 5 साल 3,60,000, जिस गरीब को 3,60,000 लेना था उसको अभी आप 1,000 रुपये का झुनझुना दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि वोट आ रहा है। आप लोकसभा के चुनाव के पहले फिर यही झुनझुना लेके आए थे, क्या लेके आए थे? अबुआ आवास, हर पंचायत में 2,000-2,000 3,000-3,000 आदमी को आपने गर्मी में कड़ी धूप में लाइन लगवा दिया। आप 2,000 आदमी से आवेदन लिए, आपने 200 लोग को भी दिया क्या? आपने जो कमिटमेंट किया था और कांग्रेस पार्टी कह रही थी खटाखट 1,00,000 रुपया खटाखट वोट दो, 1,00,000 रुपया खटाखट पाओ, मैं हम लोग यही कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार, JMM की सरकार है, फटाफट दो। आप केवल 1,000 का पोस्टर बैनर छपवा के 3,60,000 5 साल में देने का वादा करके 1,000 का दे के झुनझुना दिखाने का जो काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता समझ चुकी है। अब आपके जाल में
झारखंड की जनता नहीं फंसेगी। धरना दिया और हमारे डिमांड किया कि 5 लाख युवाओं के नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, मनरेगा कर्मचारियों का संविधान का क्या हुआ, जीवन कर्मियों का क्या हुआ, ये करते हुए मुख्यमंत्री जी आए उधर से, लेकिन उन्होंने इस समय में कोई बात नहीं किया। दोबारा जब आए उसके बाद फिर उन्होंने उल्टा वे भी नारा लगाने लगे। मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था जो बुलाते चैम्बर के अंदर बुलाते और बोलते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, लेकिन उसकी यदि समझा अंदर से उन्होंने चैम्बर को बंद कर दिया। कुल मिलाकर हम लोग की कोई मंशा नहीं थी किसी को रोकने, ऑर्डर होता है आने जाने की, हम लोग जवाब चाह रहे हैं। ये जो बेरोजगारी भत्ता देने का, नौकरी देने का, सफाई करने का, ये सब वायदे किए थे, उन वायदों पर आप खड़ा नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक, चाहे उन्हें बर्खास्त भी क्यों ना हो जाए, चाहे और कोई सहायक हो जाए, 5 लाख युवाओं को प्रदेश भर नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, सभी अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण की मांग को लेकर के हम अड़े रहेंगे और यह मांग करते रहेंगे सदन से लेकर सड़क तक। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर बैठे थे, मिले मुख्यमंत्री जी आए, जब यहाँ से आए सदन पर आर हुए और फिर अभी सदन एक समाप्ति के बाद फिर आए, वो अपने चैम्बर में चले गए। उन्होंने बुलाना उचित नहीं समझा, कोई बात करना इस संबंध में।